इंस्पेक्टर ने पुलिस की मदद से मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। नशे में प्रयोग होने वाली करीब 4 लाख से ऊपर की दवाई की सीज। सत्कार कमेटी के मेंबरों ने स्टिंग करके पुलिस को दी थी जानकारी। पहले भी ये मेडिकल स्टोर नशे की दवाई बेचने में है मशहूर। नाम है भाई श्री फार्मास्यूटिकल जीरा रोड मोगा। उतो सानू 20,000 गोली तकरीबन 4 लाख रुपए की बरामद हुई है। जिन्हों का प्रोपर रिकॉर्ड नहीं सीगा तो उन सीज करके लेके जा रहे हैं। प्रोपर रिकॉर्ड है नहीं जिन्हों का, रिकॉर्ड ना होने करके असं सीज किया जी। मैं कोई अगली कार्रवाई स्टार्ट करने लगे जी। अगली कार्रवाई की होगी ये सील होने तो बाद? असं हाई ऑफिसर लिखांगे, हाई अथॉरिटी को, वो कार्रवाई करूंगे। जनरल लाइसेंस अथॉरिटी? हाँ जी हाँ जी, लिखा अपने ज्वाइंट कमिश्नर लिखांगे चंडीगढ़। ज्वाइंट कमिश्नर तो प्रोसैस मैं रिपोर्ट तो मंडे भेज दूंगा, जो उन्होंने हुक्म दिए अभी नैक्सट कार्रवाई करा। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है? हाँ जी हाँ जी। जिहड़ा बगैर पर्ची तो दवाई दे रहे डॉक्टर दी, उस मुताबिक की कारवाई होगी इन्हां दे खिलाफ? नहीं मैं लिखा है सारा जी, अपने जो रिकॉर्ड नहीं है वो कार्रवाई सारे उपर हो गई है अगले लैवल तक। पूरी घटना जी अज सत्कार कमेटी वालों कोई टेबलेट लिया गई ने, जिनके संबंध सत्कार कमेटी ने सानू बुलाया भी कोई अभी ड्रग सील कराई इन्हों तो उन्होंने असं मौके पर आके ड्रग इंस्पैक्टर जी सद्या जो आदि हम कार्रवाई करते पे ने। देखते हैं भी इन्हों के जी शॉप के की बरामद हो किस तरह की मेडिसन या जो भी कुछ स्टिंग भी किया जी वो कुछ सामने आया स्टिंग थोड़ा दिखाया होगा जी पुलिस को? नहीं सानू अजे तक यहोजा कोई नहीं कार्रवाई भी सारी ड्रग इंस्पैक्टर जी के डिपेंड भी यहोजी मेडिसन इतों लैके जा रहे हैं तो वो तुम अपने दस भी देने जो कुछ इतों मिले। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਦੁਕਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੀ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।